हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों 10 दिन हो गया मेरा वीडियो आए हुए, ठीक है। और उसमें मैंने जो लास्ट जो टॉपिक बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी डिस्प्ले में, कोई भी ट्रांजेक्शन कोड में, आप वेरियंट कैसे सेलेक्ट करते हो या वेरियंट कैसे अपलोड करते हो, राइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेरियंट और लेआउट में क्या डिफरेंस है और वेरिएंट और लेआउट एक दूसरे से आप कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो वेरिएंट मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएंट जैसे आप मोबाइल किसी भी अमेजन शॉप से लेना है या आपका फ्लिपकार्ट से लेना है, आप किसी भी जो आपकी कमर्शियल साइट्स होती है उसमें आप जब देखते हो मोबाइल को, तो आप उसमें कुछ प्री डिफाइंड फीचर्स डालते हो। पहला डालते हो आपको बजट, कि आपको कौन से बजट का मोबाइल चाहिए। उसके बाद आप डालते हो कि इस मोबाइल में आपको कितने जीबी का रैम चाहिए, कितने जीबी का उसका स्टोरेज डेटा चाहिए, ठीक है ना। आपके नेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड का वर्जन या एप्पल का वर्जन, जो भी आपका जो प्री डिफाइंड जो है वो सब डालते हो। दैट इज कॉल्ड आपका जो है, आपका जो मैंने बताया उसको बोलते हैं वेरियंट, ठीक है ना। जो टर्म्स जो है उसको वेरियंट बोलते हैं। लेआउट क्या, मुझे किस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे क्या दिखना चाहिए, वो मेरा लेआउट होता है। तो दोनों को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। पहले तो जो बताया था सेम आपको जो लास्ट वीडियो, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दोनों को एक साथ बताता हूँ, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम मैंने जो वेरिएंट जो बताया था, उसके लिए जो मैंने टी कोड जो यूज कर रहा हूँ वो है ME5A, ठीक है। अब देखो मैं कुछ नहीं किया, ये सारा खुला हुआ है। मैं क्या बोला, मुझे मेरा वेरिएंट चाहिए, मुझे कुछ प्री डिफाइंड डेटा चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इसमें डेट डाला हुआ है, कुछ को डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, ठीक है ना। मुझे अपना चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाला गेट वेरिएंट, ठीक है ना। यहाँ पर गेट वेरिएंट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो, ये सक्षम पीआर लिस्ट डिस्प्ले फॉर व्यूअर्स, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया था, जो वीडियो में आपको बताया था लास्ट टाइम। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका जो वेरिएंट है, वेरिएंट के हिसाब से ये खुल जाता है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड है, मतलब जैसे मैंने डाला वो सारी चीजें आ गई, ये सब आ गया, इसको बोलते हैं वेरिएंट, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैंने ये कर दिया और यहाँ पर मैंने प्लांट 1451 डाल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये करके, ये कर दिया और 1451 लिख देता हूँ ना, 1451। और उसके बाद में यहाँ पर 1451 लिख दिया, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ 1451 से रिलेटेड ही आपको आएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया एक वेरिएंट, ठीक है ना। यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर मैंने वो कर दिया सिस्टम में जाके, ठीक है ना, गो टू में वेरिएंट में, इसको मैंने क्या कर दिया, सेव एज वेरिएंट, सक्षम में ही ये मैंने सेव कर दिया। तो मेरा क्या है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें लिखा है ओवरराइड करना है, यस मैं ओवरराइड करूँगा, बाद में हटा दूंगा। अब देखो मैं वापस इसको बैक गया और मैंने फिर से आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, मैंने इसमें क्या अलग से डाला है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लेटेस्ट ही दिखाएगा, मान लीजिए मैंने सब हटा दिया, ये ना सब हटा दिया, ये स्क्रीन पूरी हट गई, ठीक है, ये सब हट गया, ठीक है, ये सब हट गया। अब मैं क्या कि वापस वेरिएंट में गया और वेरिएंट में मैंने अपने सक्षम का वो कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिक सारा डेटा फीड हो गया और चेक्स टिक हो गए, और ये एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरा स्क्रीन ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड वेरिएंट। अब है लेआउट, लेआउट भी इसी का आगे का पार्ट है, ये रहा ये लेआउट है, ये मेरा लेआउट इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से दिखाऊं तो कई चीज टी कोड में कहता है लेआउट का ऑप्शन होता है, वो भी दिखा रहा हूँ। टी कोड में यूज करो IW39, ठीक है। अब मैं क्या करो, इसमें मैं अपना लेआउट है, देखो यहाँ पर सबसे नीचे में ये है डिस्प्ले पीएम ऑर्डर है, सबसे नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा लेआउट है, देख रहे हो सबसे लास्ट में रहेगा, यहाँ पर लेआउट है। और लेआउट में जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो ये मेरा आ गया सक्षम, ये लेआउट आ गया, ठीक है, ये लेआउट आ गया। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके हिसाब से मेरा लेआउट मैंने जो बनाया सेव किया है वो लेआउट आपको देखेंगे। तो देखो मेरे लेआउट में क्या दिख रहा है, पहले मैं टाइप दिख रहा है, इसमें लिख रहा है बेसिक स्टार्ट डेट, बेसिक फिनिश डेट, एक्चुअल स्टार्ट डेट, इक्विपमेंट नेम, फंक्शन लोकेशन, ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन सॉरी, ठीक है ना, ये डिफाइंड है। तो आप देख रहे हो
कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके जो टी कोड्स होते हैं उसमें क्या लेआउट का ऑप्शन नहीं रहता, बट उसमें क्या रहता है आपका वेरिएंट दिया रहता है, ठीक है ना। जैसे इसमें है आपका, यहाँ भी जॉब है तो यहाँ पर भी गेट वेरिएंट रहेगा, यहाँ भी आप अपने हिसाब से डेटा डाल सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए बोल के, ठीक है ना। तो गेट वेरिएंट सब में ऑप्शन रहता है ME5A में और इसमें भी, बट क्या होता है बहुत सारे टी कोड ऐसे होते हैं जिसमें क्या है आप जब बॉटम में जाओगे तो आपका लेआउट का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो आपने क्या समझा, वेरिएंट होता है वो क्या होता है आपको आपके यूजर नेम के हिसाब से जो जो प्रीफिट डेटा चाहिए, मोबाइल से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मुझे स्कोप ऑफ लिस्ट चाहिए था, प्लांट चाहिए था, रिलीज डेट चाहिए था 1/1/2024 से लेके 31/12/2024 तक, उसमें क्या मैंने सारे जितने भी असाइन परचेज रिक्विजिशन लिस्ट हेल्ड परचेज रिक्विजिशन क्लोज रिक्विजिशन आपका पार्टली ऑर्डर रिक्विजिशन रिलीज रिक्विजिशन रिक्विजिशन फॉर ओवरऑल रिलीज रिक्विजिशन फॉर आइटम और रिलीज, ये सारा मैंने बोला कि मुझे ये सब मुझे चाहिए, चेक मतलब मैं ओपन करूँ तो स्क्रीन राइट। और उसमें क्या है जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये लेआउट मिलेगा ये लेआउट मेरा प्री डिफाइंड है, ये लेआउट है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है, बट हम क्या इसमें भी आप एक चीज देख सकते हो, ये मेरा लेआउट बनाया हुआ है IW31 में, IW39 में देख रहे हो ना, मेरा लेआउट बनाया हुआ है जिसमें लास्ट में क्या मैंने अपना लेआउट को सेव करके रखा है, ठीक है। लेआउट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो है बहुत अच्छे से बताया, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या, समझ रहे हो। आपका वेरिएंट है प्री डिफाइंड है, आपको क्या क्या चीजें भरनी है ये स्क्रीन डब्बे पे, ठीक है। और वेरिएंट क्या है, सॉरी लेआउट क्या है, जो आपका स्क्रीन जो उसके बाद जो टिक करने के बाद जो एग्जीक्यूट होगा वो है लेआउट, ये है मेरा, ये मैंने लेआउट सिलेक्ट कर दिया, लेआउट सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा लेआउट है, दिस इज लेआउट, समझ रहे हो। यहाँ भी जाऊंगा तो ये मेरा लेआउट है, बट मेरे यहाँ पर मैंने कुछ लेआउट सेव नहीं किया, तो मैंने यहाँ क्या है, अगर यहाँ पर कहीं पर आपको लेआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो सिंपल है, आप यहाँ पर जाइए सेटिंग में, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग में आपको लेआउट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पर लेआउट में गया और मैं अपना चूज में गया और मैंने क्या किया सक्षम करके लेआउट, देखो मेरा ऐसे आ गया, देख रहे हो। तो देखो मुझे क्या है, पहले वाले लेआउट में क्या दिक्कत था दोस्तों, अगर आप देखोगे तो पहले वाले लेआउट में इस तरीके से था, ठीक है ना। मुझे लेआउट नहीं चाहिए, मुझे लेआउट एकदम ऐसा चाहिए कि मुझे प्लांट दिखे, आपका मटेरियल दिखे, मटेरियल कोड दिखे, परचेज रिक्वेशन दिखे, सब दिखे। इसने क्या है, मैंने क्या है इसका लेआउट क्रिएट किया था, तो लेआउट को मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लेआउट मेरा आ गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका परचेज, आपका वेरियंट परचेस ऑर्डर में हो, चाहे मेंटेनेंस ऑर्डर नोटिफिकेशन में हो, चाहे मेंटेनेंस ऑर्डर में हो, किसी भी तरीके के आपके जो मल्टीपल जो आपकी डिस्प्ले होती है किसी भी चीज़ की, उसका जो प्री डिफाइंड जो फीड होता है फ्रंट स्क्रीन पे, है ना, जो फ्रंट स्क्रीन पे फीड होता है उसको बोलते हैं वेरिएंट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन होता है किसी में भी, हर एक उसमें जाओगे तो आपका वेरिएंट यही रहेगा मिलेगा आपको, गेट वेरिएंट, है ना ये। और लेआउट क्या होता है, बहुत सारे टी कोड में क्या होता है लेआउट क्या होता है सबसे नीचे रहता है, कहाँ रहता है यहाँ पे सबसे नीचे में। अब कुछ टी कोड में क्या है, जैसे ME5 में लेआउट नीचे नहीं रहता, उसको ढूंढना है तो आप इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको सेटिंग में जाके लेआउट आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सो होप सो मेरी वीडियो आपको नॉलेज बढ़ा रही होगी, आपके फील्ड को इम्प्रूव कर रही होगी, आपके कोर को स्ट्रेंथ दे रही होगी, आपका जो नॉलेज है बेसिक जो SCP का, और इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने जो डिपार्टमेंट में अपने कलीग के बीचों बीच में या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना एक नाम बना पा रहे हैं मेरी वीडियो देख के। और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहेंगे, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।